छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। छोड़ो। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें ऐसे उठाना पड़ जाएगा। मुझे नीचे उतारो। कहा ना नीचे उतारो। सीजर तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। कहा ना छोड़ो। सुहान, इसका पासवर्ड क्या है? वो वाला नहीं, ये नहीं, वो हो गया हो गया। अच्छा तुम्हारा रूम कौन सा है? नहीं नहीं क्या होता है? ये वाला थोड़ा आगे। अच्छा, ये वाला नहीं नहीं हाँ और आगे। ये वाला है क्या? ठीक है, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू। देखा तुम्हें घुटनों पर ले आई। ऐसा तुम्हें लगता है सुहान? सीजर कुछ भी कर सकता है। मेरा सीजर, मेरा सीजर। गेस करो कौन है। कौन? बानु। हाँ एकदम सही। हर बार कहती है मैंने सीजर के साथ ये किया वो किया, झूठी कहीं की। ओ झूठी मत कहो उसे। अच्छा चलो इसे निकाल दो। एक सेकेंड मेरा पेट। सुहान, क्या क्या हुआ? अच्छा आराम से हाँको मत, आराम से गिर जाओगी। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैंने तुम्हारे लिए अलार्म सेट करके रखा था ताकि तुम पूरा दिन ना सो। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होगा इसलिए दवाई ले लो जो मैं वहां रखे गया हूँ, पहले येलो वाली और फिर व्हाइट वाली। और आज तुम्हें ज्यादा पानी पीना होगा। वैसे सिचुएशन में मैं यूजुअली फ्रूट्स खाता हूँ एंड उम्मीद है कि आज तुम अच्छा फील करोगी। तो अपना ख्याल रखो, मैं बाद में मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग मिसेस सुहान, ये रही आपकी ड्रेस। क्या मेरी ड्रेस? हाँ आप ही की ड्रेस है, कल रात को हमारे पास आई थी।
इसकी पेमेंट मिस्टर सीजर कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, सुखाने पड़ेंगे। सोहन प्लीज रुक जाओ। नहीं। सीजा ना हो, आई होप सीजा ना हो, प्लीज प्लीज। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा हैंगओवर कैसा है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बहुत डर गई थी। तुम ठीक तो हो ना? रहने दो, ऐसे ही पूछ रही थी। चेहरे से पता चल रहा है तुम ठीक नहीं। शिरीन थोड़ा धीरे बात करो। हाँ, मुझे सब कुछ पता चल जाता है तुम्हारे चेहरे से। तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं। ये लो, मिस्टर सीजर ने तुम्हारे लिए बनाया है, चलो पी लो, हैंगओवर उतर जाएगा। वो कब आया था? मुझे नहीं पता, तुम्हें याद नहीं वो कब निकले थे? ओ, तुम्हें याद नहीं? अल्कोहल नहीं पर गुस्सा तुम पर असर कर गया। जब मुझे पता चला मैं तो बहुत ही डर गई थी कि सुहान इतना कैसे पी सकती है, हद हो गई। चलो इसे पी लो। मैं इसे नहीं पी सकती। अरे ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो सुहान? मिस्टर सीजन ने इतने प्यार से बनाया है, इतना बुरा भी नहीं है जितना कि दिख रहा है। चलो चलो जल्दी पियो, ज्यादा पानी पी लो सुहान। मैं तुम्हारे लिए बॉइल्ड पास्ता लाई हूँ और लैक्टोज फ्री योगर्ट भी। तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं लेकर आ जाऊँ। तुम यहाँ कैसे आई? बस चेक करने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। ये क्या है? ओ ओ, देखो तो जरा क्या लिखा है। हाँ। कितने अच्छे हैं ना मिस्टर सीजर, मुझे तो बहुत स्वीट लगते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? क्या बताओ मुझे। ओह, तो अब तुम दोनों एक कपल हो। मैं सारी रात तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ। प्लीज मत जाओ, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, ऐसे मत करो प्लीज। मुझे जाना होगा सुहान। रुक जाओ, रुक जाओ। देखो मैं कल वापस आऊंगा। आई प्रॉमिस मैं आऊंगा, ठीक है? ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों क्या क्यों किया? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सच बता मुझे, तुमने उसे रुकने को कहा? प्लीज मत जाओ। शरीन बस चुप हो जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है सुहान, आखिरकार तुमने अपनी फीलिंग्स बता ही दी। शरीन बस बहुत हो गया, आप मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जाओ यहाँ से। ओह मेरी प्यारी सुहान, यहाँ यहाँ आ जाओ। इट्स ओके, ऐसा होता रहता है, मिस्टर सीजर को इन बातों से फर्क थोड़ी ना पड़ता है। ओ, ये नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूं? इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? अपने स्टेप मॉम के बारे में भूल तो गई। बस भी करो। Thank you.
सीजर, सीजर, सीजर। मेरी तो जान ही निकल गई थी, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें लगा कि मैं डूब गया था क्या? हंसो मत। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ थोड़ी देर रुको ना, अगर तुम रुकोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ वैसे तुमने मेरी फिक्र की और तुम पानी में कूद गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं तुम्हें सीजर थेरेपी देता हूं। तुम बस थोड़ा सा रिलैक्स करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। ये तुम क्या कर रहे हो? बोलना बंद करो और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। आंखें बंद करो और म्यूजिक सुनो। क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना आंखें बंद करो, तुम्हें सच में बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब रिलैक्स करो, अपने आप को ढीला पानी में छोड़ दो। तुम डूबोगे नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। जस्ट रिलैक्स, अब कॉन्सेंट्रेट करो और म्यूजिक को सुनो। बहुत अच्छे सुहान, बस तुम ऐसे ही रिलैक्स करो। क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, ठीक है? ये सपने जैसा है ना? हाँ बिल्कुल। चलो वरना ठंड लग जाएगी।
कहाँ जा रही हो अभी? अपने कमरे में। अब तुम्हारा कमरा यहीं पर है। मैं वहां ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगी। अब रोज मुझे ऐसे ही सोना पड़ेगा क्या? कौन? लाइट अभी नहीं आ रही है, आपको पता है? जनरेटर से काम चल रहा है। क्या बात कर रहा हो? ओह हाँ, मैंने भी अभी आवाज सुनी। वैसे भी आज आपका ध्यान कहीं और ही है, और आप हेल्प भी नहीं मांगते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक सुहान नहीं आ जाती तब तक मैं टाइम पास कर रहा हूँ। ओके, तो आज मेरी बारी है। भी आती हूं। जाओ माता, यहीं मेरे पास रुको ना, मेरे पास बैठो प्लीज। Thank you.
वो कहाँ थे तुम? तुम्हें कुछ पता चला या नहीं? हाँ, मुझे उस बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ा है, बहुत कुछ पता किया मैंने। नाज़ली, तुम कहाँ थी? कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैसेज वहाँ नहीं है। मैं अपना न्यू ईयर मैसेज खुद आकर तुम्हें देना चाहता था। तुम नाज़ली को मेरे लिए वापस लाए हो? हाँ, तुम्हारे लिए तो उसका ख्याल रख रहा था, सोचो कि आज तुम्हें इसे मिलवा दूं। तुम्हारी याद आ रही थी। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो सोहान। तुम्हारी हर बात झूठी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी इतनी ज्यादा हर्ट नहीं हुई है। मुझे पहले कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं हुई। तुमने पापा तक पहुंचने के लिए मुझे धोखा दिया। अब मैं और धोखा नहीं खाने वाली। मेरी बात ध्यान से सुनो सोहन। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं अपनी मॉम से करता हूं। मुझे तो अपने पापा को जानने का भी मौका नहीं मिला। मैंने तो उनके बारे में सिर्फ मॉम से सुना है। मुझे पता है तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो, तुम यकीन नहीं करोगी। और अब मुझ पर भरोसा करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, जानता हूं मैं। चलो, एटलीस्ट तुम्हें यह तो पता है। अगर मैं इतना बुरा आदमी हूं जितना कि तुम कह रही हो, तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं है ना? मेरे पापा ने मॉम को यह गिफ्ट दिया था, यह अरगुन की शायरी है, कैलीग्राफी स्टाइल में लिखी हुई। क्या लिखा है? ऐसा कोई नहीं है जिसे प्यार में दर्द ना मिला हो। ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सके कि उसे प्यार में चोट नहीं लगी। ऐसा कोई नहीं है जो प्यार में खत्म नहीं होता। ऐसा कोई नहीं है जो प्यार में आंसू नहीं बहाता। प्यार में हर किसी को खुशी मिलती है।
happening.